कोरोना वायरस ना हती चेपी ओमिक्रोन वेरिएंट ने कारण कोविड 19 केसों में झड़पीथी थयेला मोटा वधारा ने पगले डॉक्टर से माता पिताओं ने वायरस इन्फेक्शन थी तेमना बाळकों ने सुरक्षित राखवा सावचेतीना विशेष पगला लेवानी भलामण करी छे। अपोलो हॉस्पिटल अमदावाद ना सीनियर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और गुजरात स्टेट कोविड टास्क फोर्स ना सभ्य डॉक्टर महेश देसाई अत्यार सुधी आपणे कोविड 19 साथे संक्रमित बाळकों में हळवा चिन्हों के कोई चिन्ह जोवा मळता नहोता, जो के तेओ संक्रमित थई शके छे अने चिन्ह न धरावता कोरोना वाहक बनी शके एवुं जोखम छे। छेवटे तेओ तेमना घरमां वडीलोने संक्रमित करशे जेमने वधारे जोखम छे। डॉक्टर देसाईए माता पिताओने ए सुनिश्चित करवा विनंती करी हती के ज्यारे रसी उपलब्ध थाय त्यारे तेमना बाळकोने कोविड 19 सामेनी रसी मुकावी जोईए। तेमणे उमेर्युं हतुं के माता पिताओए कोविड 19 सामे तेमना बाळकोने रसी लेवडावी जोईए, तेमां खचकाट न अनुभवो जोईए, रसी संपूर्णपणे सलामत छे अने कोरोना वायरस सामे नोંધપાત્ર રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે। अपोलो हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन अने न्यूनोटोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्कर वास्तवे माता पिताओं ने कोविड 19 ओमिक्रोन वेरिएंट सामान्य सर्दी नो वायरस न गणवानी चेतवनी आपी छे। तेमणे भारपूर्वक जणाव्यु हतुं के ज्यारे बाळकोने वायरस सामे सुरक्षित राखवा तेमनी अवर जवर नियंत्रित करवानी जरूर छे, त्यारे माता पिता एवुं पण सुनिश्चित करवुं जोईए के बाळको शारीरिक रीते निष्क्रिय न थाय અને ઘરે મોબાઈલ કે ટેલિવિઝનની સ્ક્રીન સામે ચીપકી ન રહે। તેમણે કહ્યું હતું કે બીજી લહેર દરમિયાન અમને મલ્ટી સિસ્ટમ ઇન્ફ્લેમેટરી સિન્ડ્રોમ ઇન ચિલ્ડ્રનના ઘણા કેસ મળ્યા હતા અને માતા પિતાઓને જાણ પણ નહોતી કે બાળકો કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયા હતા, કારણ કે MISCના ચિહ્નો કોવિડ પછી 4-8 અઠવાડિયાના ગાળા બાદ જોવા મળે છે, એટલે કોવિડ 19થી બાળકોને બચાવવા મહત્વપૂર્ણ છે। કારણ કે ઓમિક્રોન ને કારણે કોવિડ 19 ગમે એટલો હળવો હોવા છતાં ત્રીજી લહેર પછી MISCના કેસોમાં વધારો થઈ શકે છે।